तानाशाही। इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसके बारे में तफसील से बताइए। सर, हमारा प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये है कि हमारी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिपेयरिंग करते रहते, सब लीगल लॉज फॉलो करते, फिर भी यहाँ की एक बिल्डर लॉबी है जिसने नए नए इंजीनियर ला के झूठी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बनवा के बिल्डिंग को धोखादायक करार दिया है। तो हम लोग का प्रोटेस्ट यही है कि हम लोग को चैन से रहने दो, हम लोग को बेघर ना करे, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। बिल्डिंग जो है तो बिल्डिंग भी सही कंडीशन में, इतनी खराब हम लोग ने अभी एक दो साल पहले रिपेयर कराया है, और जबकि हमारी बिल्डिंग पूरी तरीके से मजबूत है, जिसको कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे को 7 दिन का खाली करने का नोटिस भेजे और कि बिल्डिंग खाली कर दो, पानी कट कर देंगे, ये कर देंगे, इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। और हम लोग ये गुजारिश करते कि हमारी बिल्डिंग को बचाओ और हम लोगों को घर के रहने के लिए, और हमारी मांग यही है कि हमको घर के बदले हमारा घर चाहिए, हमको बेघर ना करे। आप लोगों ने मुख्य मांग क्या रखी है, क्योंकि बिल्डर अगर आता है रीडेवलपमेंट नाम के आ रहा है, तो आप लोग रीडेवलपमेंट के साथ में आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? सर, हम लोग रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ये बेघर करने देखेंगे तो ये गलत है ना, हम जाएं का? पहली बात तो हमारे बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन ही नहीं है, और हम लोगों से अभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, पता नहीं है कहाँ से कौन लोग आके सब कर रहे हैं, अभी तक के हमारी बिल्डर से कोई डिस्कशन ही नहीं। बीएमसी ने आपको जो नोटिस दी थी उसके बाद आपने क्या बीएमसी के अफसरों से बात नहीं किया कि आपने ये अंदर में नोटिस दे के घर पानी कट करो, लाइट कट करो का नोटिस दिया है, आपने बात की थी? हम लोग ने बात नहीं किए थे, पराग अलवानी साहब ने हमारे को एक लेटर दिया था, वो लेटर हमने जाके बीएमसी में सबमिट किए कि उन्होंने ये लिख के दिया था जब इलेक्शन का दौर था, उन्होंने ये लिख के दिया था कि आप लोग ये बिल्डिंग पे कोई अभी फिलहाल एक्शन ना ले, इनको रहने दिया जाए, उस वजह और ये बिल्डिंग इतनी खराब कंडीशन में है नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि आप प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करो, ऑडिट वगैरह करा के अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो हम लोगों ने ऑडिट करा के अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, आज ये टेक कमेटी वाले आके इसका डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारी बिल्डिंग क्या कंडीशन है, तो हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छे से हमारे को सही रिपोर्ट दे कि हमारी बिल्डिंग सही है, किसी प्रेशर में आके कोई गलत रिपोर्ट ना दे हमारे। सर, नाम क्या है बता? मेरा नाम फजल है, सैयद फजल। आपका नाम सर? मेरा नाम है जहीर खान। सर, मुंबई में ऐसी बहुत बिल्डिंग है जो वर्स्ट कंडीशन में है, लेकिन आप चाहे तो देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग का कंडीशन, ये कहीं से भी धोखादायक नहीं है, और इसको डेफिनेटेड कंडीशन टर्म दिया गया है किस बेस पे, हम इतने साल से रह रहे, कहीं पे कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई खिड़की, कोई भी कोई चीज कहीं किसी के ऊपर गिरी नहीं, आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ये बिल्डिंग को धोखादायक करार दे रहे हैं लोग, और इनका एक ही मकसद है कि हमको बेघर करना, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये मेन लोकेशन है,